आज हम बात करेंगे मेफाइटिस के बारे में। मेफाइटिस एक होम्योपैथिक रेमेडी है, होम्योपैथिक मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा असर दिखाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इसमें मेनली तीन तरह के डिजीज देखे जाते हैं। पहला तो दमे की बीमारी, दूसरा काली खांसी, तीसरा जो है वो है ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस किस तरह का ब्लाइंडनेस? आँखों में बहुत ज़्यादा जोर देने के कारण दर्द रहना। सेकंड जो सिम्टम है ब्लाइंडनेस का, यानी कि नहीं दिखने का, तो वो है कि दो लेटर्स के बीच जो है उसे फर्क नहीं दिखाई देगा पेशेंट को। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, आँखों में रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है, दिखने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेफाइटिस में आती हैं। साथ ही साथ अगर रेडनेस होता है, कंजक्टाइवा है, तो भी हम मेफाइटिस दे सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में वूपिंग कफ, यानी कि काली खांसी, काली खांसी में बहुत अच्छा असर दिखाती है ये मेडिसिन मेफाइटिस। मेफाइटिस में क्या होता है कि काली खांसी वाले जो पेशेंट हैं वो कहेंगे कि उनको खांसी इस वजह से हुई कि वो लाउडली पढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टीचर्स या फिर नेता, इन सब लोग, ये लोग जब बोलते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को हम मेफाइटिस दे सकते हैं अगर उन्हें खांसी की दिक्कत होती है। तो फिर मेफाइटिस का पेशेंट ये कहेगा कि जब वो लाउडली पढ़ता है तो उसको दिक्कत होती है, या फिर जब वो बातें करता है तो उसको दिक्कत होती है। पानी पीने के कारण भी कई पेशेंट कहते हैं कि उन्हें दिक्कत आती है, तो ऐसे पेशेंट को भी आप मेफाइटिस दे सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि मेफाइटिस और किन-किन कैसा उसका सेंसेशन होता है, यानी कैसा उसे महसूस होता है पेशेंट को। तो पेशेंट को महसूस होता है कि उसका गला जो है वो घुट रहा है। सेकेंड चीज़ जो उसे महसूस होती है वो ये होती है कि घुटन के साथ साथ अकड़न वाली खांसी भी होती है, और ये आप जानते हैं कि काली खांसी जैसी, वुपिंग कफ जैसी खांसी उसको होती है। पेशेंट को जो है सुबह में हल्का बुखार महसूस होता है, पेशेंट को सुबह में हल्का बुखार महसूस होता है, और जैसे ही रात आती है उसका बुखार बढ़ जाता है, वॉमिटिंग होता है यानी उल्टियाँ होती हैं, और जैसे ही वो खाना खाता है तुरंत उल्टी कर देता है। तो ऐसे पेशेंट में भी हम मेफाइटिस दे सकते हैं। कई लोग दमे के साथ उन्हें फीवर की बीमारी होती है, मतलब फीवर हो जाता है, तो ऐसे में भी हम मेफाइटिस दे सकते हैं। ठीक है, मेफाइटिस ऐसे बच्चों में जो रात में जब सोते हैं तो उन्हें फीवर बढ़ जाता है, सुबह में हल्का फीवर रहता है और वॉमिटिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट को हम मेफाइटिस दे सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको एक और बात देखनी है कि जैसे ही बच्चा उठता है तो उसकी जो उसका जो चेहरा है वो पूरा का पूरा ब्लू हो जाता है, सांस लेने में उसे काफ़ी तकलीफ होती है, तो मेफाइटिस देना बहुत ज़्यादा अच्छा और असरदार। अब आप सब जानना चाहेंगे कि कफ होता कैसा है। तो कफ ऐसा होता है कि जब वो खांसता है तो उसे महसूस होता है ये उसकी लाइफ की आखिरी खांसी है, यानी वो आखिरी बार खांस रहा है। चलिए ये जानते हैं कि तकलीफ बढ़ कैसे जाती है। मेफाइटिस के पेशेंट की तकलीफ बढ़ती है जैसे ही वो मतलब जैसे ही वो सोने जाता है, दूसरा रात में, तीसरा जो है वो है बात करते हुए, उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है मेफाइटिस के पेशेंट की। फिर अब जानते हैं कि अब उसे आराम कैसे महसूस होता है। तो आराम महसूस होने के लिए पहली चीज़ जो है वो जब टहलता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है, उसे खांसी नहीं होती, उसे प्रॉब्लम्स नहीं होती, कम होती है। और जैसे ही वो बैठता है आराम से, तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब जानते हैं मेफाइटिस के पेशेंट की जो अजीब सी बीमारी जो है मेफाइटिस के पेशेंट की, वो ये है कि वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स से गुजरते हुए भी कहता है कि उसे आइस कोल्ड वाटर में नहाने का दिल है।
सो आप समझ रहे होंगे उसे ठंडा पानी से नहाने का बहुत मन करता है। तो यही पूरी मेडिसिन के बारे में था, मेफाइटिस के बारे में। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत अच्छा असर करती है, और जब भी इसे दें तो सारे सिम्टम्स को एक बार चेक ज़रूर कर लें, एक होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।